कुछ ना कुछ आगे आगे करने की कोशिश में लगी हुई हूँ और आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती रही तो आगे भी करती ही रहूंगी. एंड आज का जो वेबिनार है कुछ स्पेशली अल्ट्रा एडवांस नाम दिया है मैंने. कभी जैसे एस्ट्रोलॉजी अभी हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सटीक निकालते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जहाँ न्यूमरोलॉजी की लिमिटेशन आ जाती है. लाइक हम उनके सिबलिंग्स के बारे में नहीं बता पाते या उनके बर्थ हाउस के बारे में नहीं बता पाते, डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसा होता है. बट ये जो आज का वेबिनार रहेगा उसमें हम अलग लेवल की प्रेडिक्शंस करेंगे आपके सिबलिंग्स के बारे में, आपके स्पाउस के बारे में, इस तरीके की प्रेडिक्शंस करेंगे. अगर आप में से किस न्यूमरोलॉजी की बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी है वो क्या बहुत सारे हैं जो वीडियो ऑन करके नहीं बैठे, मुझे पता है वो अक्सर आते हैं, मैं जानती भी हूँ. एंड तो उनका मोटिव रहता है कि क्या कर रहे हैं मैम क्या नहीं कर रहे, बट अच्छा लगता है वो मोटिवेशन मुझे मिलता है. तो जैसे आप सब पर्सनल ईयर कैलकुलेशन वगैरह करते हो राइट, अभी न्यूमरोलॉजी में और अगर हम आगे आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे पर्टिकुलर जैसे अभी पर्सनल ईयर 9 आ जाता है तो पर्सनल ईयर 9 अभी किसी पर्सन की शादी हो रही होती है तो हम कहते हैं नहीं यार तुम्हारी इस साल शादी नहीं करनी, बट अभी पर्सनल ईयर 9 में भी शादी होती है क्योंकि कुछ ऐसा पर्टिकुलरली उसके पास स्ट्रॉन्ग पीरियड होते हैं उस टाइम पे, या कुछ ऐसे वीक पीरियड होते हैं अच्छे टाइम में भी जिसे उस टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत होती है कि यहाँ पर मुझे ये काम नहीं करना या ये टाइम ऐसा है कि मुझे इससे रिलेटेड ये बेनिफिट मिले, ये भी हम न्यूमरोलॉजी से पता कर सकते राइट. सो वही आज करेंगे. तो वन बाय वन एक एक करके मैं कोशिश करूंगी क्वेश्चन का आंसर करने का. सो लेट्स स्टार्ट विद हरिलाल सर. हरिलाल सर कुछ डेट ऑफ बर्थ या कुछ क्या पूछ मैडम सर आपकी इच्छा है, अदरवाइज आप में से कोई भी हैंड रेज कर सकता है एंड आई विल प्रोटेक्ट. जी जी हेमलता जी तैयार है, हेमलता जी तैयार. जी हेमलता जी बताओ. हां वैदिक ग्रह मैत्री में स्वयं शत्रु और मित्र जानते हैं, यहाँ पे नहीं जानते हैं, यहाँ कौन मित्र है कौन शत्रु है और कौन फ्रेंड है. अच्छा न्यूट्रल में न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं आप. हाँ न्यूमरोलॉजी में थोड़ा नहीं जानते हैं, इसमें जानते हैं. नहीं नहीं सर एक्चुअली क्या है न्यूमरोलॉजी में मित्र और शत्रु चाहिए. मैं एक बार एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. नंबर वन आप सबको बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर सबको निकालना आता है, प्लीज शो योर थंब्स. यस प्लीज शो योर थंब्स कि आप सबको आता है सो दैट कि मैं आगे मूव ऑन करूं. ओके बिल्कुल परफेक्ट. अभी नेक्स्ट जो आता है बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर के बाद आता है लोशो ग्रिड बनाना. ठीक है तो लोशो ग्रिड भी आई थिंक सबको प्रिपेयर करना आता है. ओके दैट्स ग्रेट. देखो आधा तो सभी को मतलब आधे न्यूमरोलॉजिस्ट तो सारे बन चुके हैं, इनफैक्ट आजकल तो बच्चे बच्चे भी कर रहे हैं. अब इसके बाद जो आता है एक एक प्लैनेट को समझते हैं. ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगी एक प्लैनेट का कि कौन सा प्लैनेट किसको रिप्रेजेंट करता है. राइट सबसे पहले नंबर वन जो है वो है सन का, सूर्य का, राजा का. ठीक है नंबर वन जो रिप्रेजेंट करता है सन को, सूर्य को, राजा को, फादर को. और ये जो है ये कहीं ना कहीं मेन फेम के लिए माना जाता है, कम्युनिकेशन स्किल के लिए माना जाता है. हर एक को नंबर वन की बहुत जरूरत होती है क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं देखो हम सबके पास बाय डिफॉल्ट नंबर वन है बट वो कहां से सेंचुरी में आया हुआ है राइट. बट नंबर वन जो है लीडरशिप लोगों के साथ रह के काम लेना, लोगों से काम निकलवाना किसी ऐसी पोजीशन पे है तो कहीं ना कहीं नंबर वन सभी को सपोर्ट की जरूरत होती है. नंबर टू जो होता है वो है रानी का, मून का, क्वीन का, चंद्रमा. जिस तरीके से चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है उसी तरीके से ये जो मून के एट्रीब्यूट है कुछ इसी तरीके से होते हैं. अभी क्या होते हैं वो लोग ऐसे उनके मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते रहते हैं, कभी कुछ पल पल में माशा पल में धोना. रानी भी है, अभी रानी क्या है बहुत शालीन है, सौम्य है. अभी आप रानी की इमेज लेकर आओ तो क्या है वो मतलब इतनी आतंकी टाइप की नहीं है, किसी को डरा के धमकाने वाली नहीं है. रानी जैसे हमने मूवीज में या सीरियल्स में देखा है वैसे इसी टाइप की रानी होगी. तो इसीलिए जब भी न्यूमरोलॉजी में 248 की बात आती है ना
कि 248 का सपोर्ट मत लो, 248 का सपोर्ट मत लो, तो वो वैसे गंदा नंबर नहीं है स्ट्रगल का या वैसा नहीं है, बट वो क्या है, बहुत शालीन है, सौम्य है, रानी डेलिकेट है, सेंसिटिव है। तो रानी जो है हमें सौम्य बनाती है, सेंसिटिव बनाती है, तो साथ में इनडिसिसिव, इनडिसिसिव मतलब मौके पे डिसीजन नहीं ले पाते। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, आना के चक्कर में अटक जाते हैं। नंबर थ्री जुपिटर है गुरु, बृहस्पति है देवताओं के गुरु है, और प्लान सबसे बड़े प्लैनेट है ब्रह्मांड में, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो है जुपिटर। नंबर थ्री और नंबर एट बुजुर्गों की श्रेणी में आते हैं, बुजुर्ग प्लैनेट जिन्हें कहा जा सकता है, नंबर थ्री और नंबर एट, ठीक है। सो नंबर थ्री जो है ज्ञान का भी नंबर है, नॉलेज का नंबर है। नंबर फोर की बात की जाए, विस्तार का नंबर भी नंबर थ्री ही है। नंबर फोर है राहु का, दबंग है। नंबर फोर आपका क्या कहते हैं, डेयर डेविल है, पुलिसमैन है, गुंडा भी है। अब लेकिन यहाँ अभी एक पल में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैडम एक ही बर्थडे बहुत सारे लोगों की होती है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, क्योंकि हम तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही लेते हैं, हम तो टाइम में नहीं लेते हैं, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक पर्सन इतने ऊंचाइयों पर पहुंच गया और एक पर्सन इतने उस पर है। तो देखो उसका आंसर ये है कि दोनों पर्सन को नाम अलग अलग मिला हुआ है, दोनों की नेम वाइब्रेशन अलग अलग है। पहला फैक्टर जो होता है, जब भी आप देखोगे दो पर्सन की सेम डेट ऑफ बर्थ है, एक ने लिया मुकेश अंबानी के घर में जन्म और एक बच्चे ने लिया रिक्शे वाले के घर में जन्म। तो अभी दिशा काल परिस्थिति जो मैं हमेशा अपने कोर्स में बताती हूँ, दिशा काल परिस्थिति हर एक केस में मैटर करता है। मुकेश अंबानी के बच्चे को उसको हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा फर्स्ट डे से, उसको लाड प्यार मिलेगा, उसको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी लोगों से, सब फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन एक रिक्शे वाले का जो बच्चा जो राजयोग लेकर हुआ है पैदा 4, 5, 6, हालांकि स्टार्टिंग में उनको कोई सपोर्ट नहीं है, बट उसकी ये 4, 5, 6 का जो प्लेन है ना, उसकी वजह से वो कुछ तो करेगा। अभी मुकेश अंबानी जितना नहीं बनेगा वो बड़ा, लेकिन यस एक रिक्शे वाले का बेटा अगर किसी जॉब में आ जाता है तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ा बात हो गई, उसके लिए वो भी राजयोग हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? दूसरी बात, अभी मान लीजिए दो बच्चों ने ट्विंस है एक ही घर में जन्म लिया, अब क्यों फर्क आ गया, अभी तो दोनों ट्विंस है। अभी अगर मैं बात करूं पेरेंट्स एक है, उनके लिए दिशा काल परिस्थितियां भी एक है, फिर क्यों फर्क लिया। अभी उनके कर्मांश भी आते हैं, पहला फैक्टर जो हुआ उनका नाम का हुआ, नाम दोनों के अलग अलग है, नाम की वाइब्रेशन अलग अलग है। जैसे मैंने बताया चार नंबर गुंडे का भी है, चार नंबर पुलिसमैन का भी है। अभी मान लो अगर दोनों बच्चे नंबर फोर से रूल होते हैं, राइट, दोनों बच्चे नंबर फोर से रूल होते हैं, दोनों एक ही फैमिली में है, दोनों ट्विंस है, लेकिन क्या है एक को संगत अच्छी मिल गई, एक बच्चे के फ्रेंड्स बहुत अच्छे, तो वो अच्छे ट्रैक पे चल रहा है। एक बच्चे के दोस्ती यारी अच्छी नहीं है तो वो गलत ट्रैक पे चल रहा है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसके यार दोस्त अच्छे नहीं है। तो आपका नाम की वाइब्रेशन आपके मोबाइल पे, जैसे जैसे वो बच्चा होगा उसके बड़ा होगा, उसके साथ साथ उसका मोबाइल नंबर भी अटैच होगा, उसकी वाइब्रेशन अटैच होगी, और साथ में उसके कर्मास। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप कि मैंने सबका ये पॉइंट क्लियर कर दिया होगा, क्योंकि सबको ये क्वेश्चन रहता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट जो है डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, फिर डिफरेंस क्यों आता है। आगे आता है नंबर फाइव, हमने फोर तक कवर करा, फाइव आता है, फाइव होता है मंत्री का, बुद्धि का। नंबर थ्री और नंबर फाइव में आप लोग हमेशा कंफ्यूज में देखती हूँ, नंबर थ्री ज्ञान का नंबर है, नंबर फाइव बुद्धि का नंबर है। ज्ञान और बुद्धि किसी मतलब वैसे अनपढ़ बच्चे में भी हो सकती है, क्योंकि बुद्धि है मौके का फायदा उठाना, वही ज्ञान क्या है मौके का फायदा नहीं, तो ज्ञान लेना और ज्ञान देना उसका काम ये है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री एंड फाइव, राइट। और फाइव नंबर जो है बहुत स्टेबिलिटी का नंबर है। अगर आप देखो फाइव मरकरी जो है जो सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है, सबसे पास है ब्रह्मांड में, सबसे छोटा प्लैनेट भी है। क्यों कहा जाता है प्रिंस या प्रिंसेस? राजकुमार, हम न्यूमरोलॉजी में से राजकुमार या राजकुमारी की उपाधि देते हैं, प्रिंस या प्रिंसेस कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटा प्लैनेट है, और सबसे छोटा प्लैनेट होकर भी सूर्य के सन के सबसे नजदीक भी है, फिर भी कुछ नहीं हो पाता, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसीलिए अगर मैं दोनों चीजों को अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि पांच नंबर एक मैथोलॉजिकल नहीं है, कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूं, तो फाइव नंबर आप देखो वैसे भी कितना पॉजिटिव है कि सन के सबसे पास होते हुए भी उसको कुछ नहीं देता, और सबसे छोटा प्लैनेट।
सो लाइफ में सबसे ज्यादा न्यूमरोलॉजिस्ट हम लोग किसका, एक तो वन का सपोर्ट लेते हैं, फाइव का लेते हैं, सिक्स का लेते हैं और थ्री का लेते हैं, ठीक है। फाइव की बात हो गई, अभी आते हैं नंबर सिक्स पर। नंबर सिक्स जो है वीनस का नंबर है, गुरु शुक्राचार्य का नंबर है, दैत्यों के गुरु। देखो गुरु नंबर थ्री भी है, गुरु नंबर सिक्स भी है, लेकिन फर्क क्या है, दोनों गुरु, एक देवताओं के गुरु है, एक दैत्यों के गुरु है, लेकिन नंबर सिक्स वाला कहीं कहीं जुगाड़ से काम निकाल लेता है। उसे उसे क्या चाहिए कि मुझे मेरा काम कहीं से भी कैसे भी निकलवाना है, क्योंकि तो आपने देखा होगा माइथोलॉजिकल सीरियल्स में गुरु शुक्राचार्य कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी चाल भी चल जाते थे अपना काम निकलवाने के लिए। इसके लिए एक लाइन में बोलू ना, बाय हुक और बाय क्रुक, सीधी उंगली नहीं तो टेढ़ी उंगली। मतलब अब यहाँ ये नहीं कह रही कि वो चंट चलाक होते, मतलब उन्हें पता है कि अगर मुझे आज इस गवर्नमेंट ऑफिशियल से अपना काम निकलवाना है तो वो कोई ना कोई सोर्स निकाल के, कोई ना कोई पहचान निकाल के ना वो अपना काम उस ऑफिशियल से निकलवा लेंगे। ये है नंबर सिक्स की खासियत। नंबर सेवन, नंबर सेवन केतु का है, रिसर्च का। अभी आप लोग अगर अगर देखें तो 372 ये बहुत ऑकल्ट फील्ड में बहुत पॉजिटिव या ब्लेसिंग्स वाले माने जाते हैं। रीजन इतना सही है, ऐसा नहीं कि बाकी सारे नंबर्स को पॉजिटिविटी नहीं है या वो बाकी सारे नंबर ऑकल्ट में नहीं आ सकते, उनके लिए स्पेशल एक प्रिविलेज जिसे कह सकते हैं ना वो है, क्योंकि रिसर्च ऑकल्ट में क्या है, जैसे हरिलाल जी ने कहा मैंने इतना कर लिया और ये कर लिया फिर भी आज भी पूरे ज्ञान पाने की आस है, क्योंकि ये जो भूख है ना, ये जो ज्ञान का भंडार है ना ऑकल्ट, ये कभी खत्म नहीं होगा। जितना मर्जी पढ़ लो, चाहे मैं बुढ़ी हो जाऊं, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, तब भी वो खत्म। मैं ये नहीं कहूंगी आई एम द परफेक्ट वन, मैं सभी उसकी ज्ञाता हूँ, ऐसा नहीं है। सो सेवन जो है रिसर्च का नंबर है और केतु का नंबर है। नंबर एट, नंबर एट है हमारा शनि देव का। स्ट्रगल कहा जा सकता है, स्ट्रगल इसलिए कहा जाता है कि वो चैलेंजेस बहुत देते हैं लाइफ में। अगर मैं एक चैल्डियन थ्योरी में बात करूं, या चैल्डियन थ्योरी जैसे कहते हैं, कई लोग चैल्डियन होते हैं, कई लोग चैल्डियन होते हैं, तो इसे कहा जाता है प्रायश्चित का नंबर। नंबर एट को प्रायश्चित, मतलब नंबर आठ वाला परमात्मा ने भेजा है कि जाओ तुम धरती पर जाकर प्रायश्चित। अभी क्या है प्रायश्चित का मतलब, क्या होता है आंसू बहाना। प्रायश्चित में हम लोग क्या करते हैं, आंसू ही तो बहाते हैं। Am I right or wrong? प्लीज थोड़ा सा मुझे इतना तो कर दो। अगर बोर हो रहे हो तो मैं आगे मूव ऑन करूं क्या? बोर बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? नहीं मैम, बोर नहीं हो रहे। नहीं मैम, बोर नहीं हो रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आंसू बहाने का मतलब ये नहीं है कि हमें जबरदस्ती आंसू बहाने, हमें मेहनत करनी है अपने कर्मास को। जहाँ कोई एक गलत स्टेप लिया, एक गलत स्टेप के पीछे ना 10 पीछे चले जाते हैं नंबर एट की वजह, क्योंकि शनि भगवान जजमेंट का नंबर है। आप सबसे माइथोलॉजिकल सीरियल देखे, जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करते, जरा सा भी थोड़ा सा भी, तो इस वजह से। और शनि भगवान क्या है, शनि शनि धीरे धीरे, तो एट नंबर वालों की लाइफ में ब्लेसिंग आएंगी तो नहीं, लेकिन वो आएंगी धीरे धीरे। अभी होता क्या है, लेकिन वो आठ नंबर वाला मुझे किसी ने कहा, मैं आल्सो आई एम आल्सो नंबर एट, अगर मुझे किसी ने कहा कि 1 किलोमीटर के बाद तुम्हारे घर के पास तेल का कुआ है, अब मैं जी खुदाई कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, 1 किलोमीटर के दायरे में मुझे बोला गया, मैंने खुदाई कर ली, मैंने 1 किलोमीटर में 1 मीटर रह गया, अब मैं हो गई फ्रस्ट्रेटेड यार, नहीं निकल पाए कहाँ से तेल का कुआ है ही नहीं इधर, तो क्योंकि वो इतनी मेहनत कर डाली ना मैंने उस कुएं के लिए, बट वो खुदाई करते करते वो लास्ट का जो 1 मीटर रह गया ना, वही मेरी परीक्षा थी। एट नंबर वालों के कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते, वो बेचारा इतने परेशान हो जाते हैं, इतना हार्डवर्क कर जाते हैं कि जब तक उनके पास रिजल्ट आने वाला होता है ना, वो उस चीज को छोड़ देते हैं, वो हार मान जाते हैं। ये होता है एट नंबर वालों के साथ। लेकिन आठ नंबर वालों को या तो, देखो एक चीज है, चार और आठ में हमेशा ये कहती हूँ, या तो वो पास होंगे या फिर फेल होंगे, उनके लिए बीच में कोई कंपार्टमेंट का रास्ता नहीं है। बाकी सारे नंबर में तो कंपार्टमेंट आती रहती, चल रही है गाड़ी चला लेंगे। चार और आठ वाले या तो पास होंगे, यानी कि लाइफ में उन्हें ब्लेसिंग्स मिलेगी और बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी, या फिर फेल होते हैं, कोई ब्लेसिंग नहीं है। मतलब काम पे उनको पहचाना जाएगा, लेकिन अवार्ड बहुत है, रिवॉर्ड नहीं मिलता। अभी हम लोगों को रिवॉर्ड भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर नाइन की तरफ। नंबर नाइन जो है यूनिटेरियन नंबर है, मानवता का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, सेनापति का नंबर है।
नंबर 9 को भेजा गया है मानवता की रक्षा के लिए। मानवता की रक्षा को बहुत बड़ा वर्ड हो गया, मतलब मानवता के लिए भेजा गया, भलाई करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए। तो नंबर 9 के लिए अगर मैं आज का टिप आप लोगों के लिए है, आप में से जो भी नंबर 9 का रूल होते हैं, सबसे बड़ी रेमेडी बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कुछ ना कुछ डोनेशन करते रहा करो। अगर आप से धन से डोनेशन नहीं कर सकते हो तो अपने शरीर से कुछ भी श्रम दान जिसे कहते हैं वो कर लो, वो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आएगा। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है, सीक्रेटिव रेमेडी से कह सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर का मतलब ही यही है कि ईश्वर ने आपको मानवता के लिए भेजा है, आपको काम यही करना है। तो कुछ भी कीजिए, जरूरी नहीं हम उससे नहीं कर सकते हैं, पैसों से नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके से उसको करिए। हमारे एक मेरे लास्ट में एक स्टूडेंट थे, he used to, मतलब 15 years हो गए थे, वो डेली 9 नंबर से रूल होते थे, अभी शायद मतलब होते हैं, तो डेली हॉस्पिटल जाते थे सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए कि भाई उनको जैसे ऑपरेशन वगैरह में होते हैं फॉर्म्स वगैरह सबमिट कराने, देखो कहीं ना कहीं ईश्वर ने देख रहा है ब्लेसिंग्स के लिए और ब्लेसिंग्स उन्हें मिली भी नहीं। सो दिस इज ऑल द नंबर्स के एट्रीब्यूट जो मैंने आप लोगों को बताए। चलिए अब बात कर लेते हैं, अभी आपके जो भी बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर आप सबने निकाल लिया, ठीक है, एक एक करके अब हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हेमलता जी ने हैंड रेस किया था, हेमलता जी मैम, हाँ बोलिए जी। मैम मेरा मूलांक है 7 और भाग्यांक है 6। आप पूरा डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए। 16 जनवरी 1987 1987, right? जी मैम। बर्थ नंबर 7, डेस्टिनी नंबर 6। जी। ठीक है? यही है ना? जी मैम। नहीं बना। Okay. आप हेमा जी कोई ना कोई टेक्निकल या केमिकल एजुकेशन या कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं मैम, मैंने टीचर की तैयारी कर रही हूँ अभी। टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, ओके। मैरिज हो क्या? आपकी एज है अभी, आपकी एज क्या है? 34। मैरिज हो चुकी है आपकी? नहीं मैम। ओके, कोई नहीं। और आपके दो सिब्लिंग्स है? नहीं जी। नहीं मैम, हम लोग 6 भाई बहन है। 6 भाई बहन हो? I'm so sorry. Okay. चलिए कोई बात नहीं, बाकी आप कहीं ना कहीं ये है कि आपको जो चाहिए ना, कि अभी कहीं ना कहीं आपका ओकल्ट फील्ड में कुछ ऐसा रिसर्चिंग फील्ड या ओकल्ट से रिलेटेड आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मन बना हुआ है। बिल्कुल, है ना, कि आप चाह रहे हैं कि उसपे आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका माइंड है वो उसको वो भी कर रहा है कि क्या मेरे लिए ठीक है या नहीं है, मतलब अपना जो मैं कर रही हूँ टीचिंग का वो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कुछ इस तरीके के आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। बिल्कुल। सो चलिए अभी बताइए आप क्या करना चाहते हैं या क्या है आपका क्वेश्चन? मैम मैं बिजनेस करूं या जॉब में ही रहूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था कि मेरी शादी में मैम क्या प्रॉब्लम आ रही है? शादी में कहीं ना कहीं वही मैंने इसीलिए पूछा था कि आपकी शादी हो गई है क्या, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो मुझे लेट मैरिज का योग दिख रहा था। बट मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ जल्द, ठीक है? आप वो कीजिए, आप फ्राइडे के दिन खीर बनाइए, ठीक है, और खीर को शाम को गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 2 किलो दूध की खीर बनाइए और शाम को गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। और रही बात अगर टीचिंग का, कब एग्जाम दे रहे हैं आप? मैम नेक्स्ट मंथ ही है। हाँ जी, इसी महीने में एक एग्जाम है और सेकंड एग्जाम नेक्स्ट मंथ है। इसी महीने में नेक्स्ट। आप कोई नंबर बोलो 1 से लेकर 9 तक के बीच पे। 7। थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं आपकी ना मेहनत में कम पड़ रहा है, थोड़ा सा आपका जो वो चीजें आ रही है ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि फोकस कहीं ना कहीं आपका फोकस ना डावाडोल हुआ पड़ा है। किसी किसी कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपका जो फोकस है वो हिला है। बिल्कुल हाँ, थोड़ा सा उधर से डाइवर्ट होगा तभी होगी।
आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल मैम, चलो कोई नहीं, बट अभी जो मैंने आपको रेमेडी बताई है ना, आप वो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्चना जी। हेलो मैम। हेलो जी। राधे राधे। राधे राधे अर्चना जी। मेरा बर्थ डेट है 20 जून 1971। जून 1971। बर्थ नंबर आपका है 2 एंड एसपी नंबर है आपका 8। क्या करते हैं अभी आप? मैं टीचर हूँ लास्ट 30 इयर्स से। मैडम आपका एक क्या कहते हैं आपको बर्थ, आपका जो अगर चलो स्पाउस की बात करें, स्पाउस आपके जो है यानी कि आपके जो हस्बैंड हैं उन्हें सफाई बहुत पसंद है। यस। और वी शेप चिन है उनकी। यस। आंखें भी बहुत सुंदर है उनकी। अब ये आप कहोगे मैम आप तो मेरे हस्बैंड की तारीफ किए जा रहे हो। यस मैम। तो और अगर एक चीज और, आपका जो बॉन्ड मतलब हुआ था अच्छे, आपकी फैमिली जो थी मतलब अच्छी, मतलब कह सकते हैं अच्छी फैमिली में हुआ, मतलब बॉन्ड जो है अच्छा, जी जी रिच फैमिली में जिसे कह सकते हैं। या तो देखिए मैं जो बताना चाह रही थी अर्चना जी, अभी देखिए मैं आपके स्पाउस से नहीं मिली, मैं आपके हस्बैंड से नहीं मिली, बट स्टिल मैंने आपके हस्बैंड के बारे में बताया, उनके वी शेप चिन है और ऐसा सब कुछ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अर्चना जी आपका क्वेश्चन लूंगी मैं, बट सिर्फ लोग ये जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं जो मेरे से थोड़ी सी आपकी आई थिंक एक्सपेक्टेशन अगर आपने रखी हो कि सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से, देखिए 100% मैं आप लोगों को पहले बता दूं 100% मैं कभी करेक्ट नहीं मिली 100%। तो खैर मैं क्या कोई भी नहीं हो सकता करेक्ट, कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर 100% हम लोग करेक्ट हो जाए तो हमें तो भगवान की उपाधि मिल जाए और राहुल गांधी और सोनिया गांधी आके सबसे पहले हमारे पास आके बताओ भाई हमारा भविष्य क्या है या हम तब सीट पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, राइट? तो बराबर सही बात। लेकिन न्यूमरोलॉजी से जो एक वो बना हुआ था ना कि न्यूमरोलॉजी से सिर्फ ये चीजें प्रेडिक्शन की जा सकती है आपके स्पाउस के बारे में, आपके बॉर्न हाउस के बारे में, और ये सब चीजें नहीं की जा सकती, बहुत कुछ इसके अलावा और भी प्रेडिक्शन की जा सकती है, बट समय का अभाव है, टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा नहीं। जी अर्चना जी आप थोड़ा अपना क्वेश्चन। मेरी हेल्थ 2 साल से एकदम खराब हो गई है, मुझे कंटिन्यूस एसिडिटी और माइग्रेन का प्रॉब्लम है, अदरवाइज मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कीजिए जी, एवरी सैटरडे या सैटरडे को ना 9 पीसेस समोसे या गुलाब जामुन गुलाब जामुन या समोसे ना, लेबर जो होते हैं ना जो रिक्शा वाला होते हैं और वैसे जो ट्रेन वगैरह करने वाली होती है उनको बाकी एक पर्सन को एक ही दीजिएगा, दो दो दे दिए, एक पर्सन को एक ही दीजिएगा, और अगर चाय पिला सकते तो और भी सोने पे सुहागर, बट अगर इतना भी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको ठीक है। और दूसरा आपका जो माइंड है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हो, परेशान रहते हो छोटी छोटी बातों को लेकर, तो एक ग्रीन बॉटल से पानी पीना शुरू करो। ओके मैम। ग्रीन बॉटल से पानी पीना शुरू करो तो जी जी, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। अभी नेक्स्ट लेंगे संतोष जी, संतोष गुप्ता प्लीज अनम्यूट कर। हेलो मैम। हेलो जी। ये पूछना था कि मेरे लड़का का जो है ना मूलांक 2 है और भाग्यांक 1 है। भाग्यांक 1 है, मूलांक कितना है? मूलांक 2 है। अच्छा, ओके बताएं, डेट ऑफ बर्थ बोलो, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 11/1/1996। ठीक है, क्या पूछना है इसके बारे में? तो इसका शादी कब होगा और ये व्यवसाय में जाएगा कि सर्विस में जाएगा? शादी कब होगा, बिजनेस में जाएगा या सर्विस में जाएगा? अभी आपका बेटा आपके पास है? जी जी। उसको बोलो एक नंबर बोलने के लिए।
एक से लेकर राहुल नंबर बोली था ए हां कोई नंबर बोलो ना एक से लेकर आता था सात बोल रहा है हां जी सात नंबर बोला हो सात नंबर जी सात सेवन कोई एग्जाम वगैरह दिया उस बच्चे ने ना अभी बीएससी कर रहा है उसका पढ़ने में मन नहीं है वो छोड़ छाड़ के पढ़ता है वो ठीक से नहीं पढ़ता है तो वही मैं कह रही हूँ उसका पढ़ने में मन ही नहीं है जॉब जॉब में भी नहीं जाना चाहता वो अपना बिजनेस करने के मूड में है तो संतोष जी कोई बात नहीं अभी एक काम करो वो बच्चा जो है ना वैसे तो अच्छे इसके पास कॉम्बिनेशन भी अच्छा है नंबर्स भी अच्छे है तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़वाओ जी तांबे के लोटे में आप थोड़े से चावल थोड़े से चीनी और थोड़ा सा कुमकुम डाल के वो सवेरे सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाए कथा भगवान को नहीं मानते हैं जो इस बच्चे की बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई है ना इस टाइम मतलब अभी मन नहीं लग रहा काम में और थोड़ा सा ये चीजें चल रही है तो कहीं ना कहीं उसे अपॉर्चुनिटीज नजर आने लग जाएगी और अपने लिए सही गलत की पहचान होने लग हो जाएगी शादी कब होगा इसका शादी के अभी तो देखो मुझे योग अभी नजर नहीं आ रहे हैं नहीं अभी योग नजर नहीं आ रहे हैं अभी है टाइम क्योंकि ये बोलता है कि भगवान को नहीं मानते मैं इस बच्चे की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है जी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है कि मुझे मतलब लाइक लड़की भी सुंदर चाहिए ये भी खूबी चाहिए ये भी खूबी चाहिए तो कुछ इस टाइप की मुझे लग रहा है कुछ रिश्ते तो आ रहे होंगे रिश्ते आ रहे हैं हां रिश्ते तो बहुत आ रहा है रिश्ते आ रहे हैं बट वही ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रही है कोई बात नहीं आप ये काम कीजिए जो मैंने आपको बोला है सूर्य भगवान को जल वगैरह देने का उसको करिए और यहीं से थोड़ा ब्लेसिंग पाए और पूर्णमासी वाले दिन खीर बनाइए खीर आप टेरेस पे रखिए सनलाइट में ठीक है और उसको फिर सारा परिवार खाए ठीक है जी संगीता मिश्रा जी संगीता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ जी मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ मैम 19 नवंबर 1974 आपका बर्थ नंबर है ड्राइवर एक है कंडक्टर सिक्स है मैम अभी तो पर्सनल ईयर 8 चल रहा है मैम अभी थोड़ा सा अपनी आदतें सुधार लो पर ड्राइवर कंडक्टर ये संदीप अरविंद सूद सर का देन है ड्राइवर कंडक्टर वर्ड तो अभी उन्होंने उसमें कॉपीराइट ले लिया है तो थोड़ा सा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर ही कोशिश किया करें अच्छा जी जी बिल्कुल चलिए आपका है 19 नवंबर पर्सनल ईयर 8 चल रहे मैम आप क्या करते हैं हाउसवाइफ है या क्या है मैम स्कूल ड्रेस का काम है स्कूल ड्रेस का प्लस उसी में पार्लर भी डाल रखा है आप काम में प्रोफेशन में बहुत जल्दी एज में आ गए थे मैम दरअसल मदर नहीं थी तो बहुत बचपन से ही लाइफ थोड़ा ऐसे डिस्टर्ब ही रही है मेरा कहने का मतलब देखो मुझे नहीं पता लेकिन मैंने जो देखा डेट ऑफ बर्थ में इसीलिए मैंने बोला कि आप प्रोफेशन में या जॉब में जो भी है हां जी मैम बिल्कुल जी आपसे बड़े भी घर में कोई है मतलब आपके हाँ जी मैम मेरी सिस्टर थी और आपके जो हस्बैंड है उनके बारे में कुछ बताऊं जी मैम बिल्कुल उनकी आईब्रोज थिक है और गहरी आंखें जिसे कहते हैं ना गहरी आंखें जैसे झील सी आंखें जिसे कहा जा सकता है ऐसा कुछ है हाँ मैम लेकिन साथ में नहीं रहते हम हाँ जी साथ में नहीं रहते हैं कोई बात नहीं आप कितना टाइम हो गया मैम लगभग 10 साल होने जा रहे 10-11 साल हो रहा है सॉरी बट चलो मैं भी शायद कुछ मुझसे अभी मैंने देखा नहीं इतना चलिए बताएं कुछ क्या पूछना चाहते हैं संगीता जी मैम ये स्ट्रगल कब तक रहेगा मेरा देखिए स्ट्रगल की बात करूं तो अभी
रनिंग एज कितनी चल रही है मैम? मेरी ख्याल से 45 ऐसे कुछ है, पता नहीं है। मैम ये वाला टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है आपके पास। जी मैम, मैम बैक पेन बहुत रहता है, हेल्थ इशू रहती है। हेल्थ इश्यूज के लिए आप सेवन चक्र ब्रेसलेट आता है, वो सेवन चक्र ब्रेसलेट पहन के ठीक है, और आप भी ना सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, साथ में ना आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करो उसके सूर्य की रोशनी में, सन की एनर्जी में ठीक है, मेडिटेशन करो सन की एनर्जी में ठीक है, क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जो आपका जो प्लैनेट है वो वीक बहुत पड़ा है इस वजह से। जी मैम ठीक है। मैम बच्ची के बारे में पूछना था थोड़ा। जी बोलो बोलो मैम। 11 सितंबर 2003। पूछो क्या पूछना है इसके बारे में मैम, इसे किस लाइन में जाना चाहिए? अभी इंटर किया है। क्या किया इसने? इंटर अभी इंटर के रिजल्ट निकला है सीबीएसई बोर्ड से। अच्छा 92.6% रिजल्ट है इसका। देखो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड ये कर सकता बच्चा, अगर ये मतलब कुछ ऐसा करना चाह रहा है कंप्यूटर फील्ड पे, मतलब डिजाइनिंग या डिजिटल में कुछ ऐसा करना चाह रहा है तो उसके लिए भी अच्छा है। काउंसलिंग वगैरह का कुछ है वो भी अच्छा कर सकता है। क्या अभी कुछ ऐसा मैम लॉ का प्लान किया है? बट अभी क्या चूज किया जी? लॉ का प्लान किया मैम, लॉ करेगी। लॉ लॉ करेगा, कर सकता है बच्चा, कोई दिक्कत। लॉ करके पीसीएसजी की तैयारी मतलब जज के लिए। हाँ जी पीसीएसजी करेगी। पीसीएसजी क्या? मैं समझी नहीं। पीसीएसजी करेगी मैम लॉ करने के बाद में। हाँ पीसीएसजी जज के लिए। लॉ करना चाहता है या आपने बोला हुआ? नहीं नहीं उसका भी इंटरेस्ट है। हम अब मेरा कोई प्रेशर नहीं है मैम। ठीक है करने दो। ये बच्चा अगर अपने मन का करेगा ना तो आगे ब्लेसिंग्स है। अगर आप उसमें जरा सा भी कुछ भी प्रेशर डालोगे ना, क्योंकि जो नंबर्स बैठे हुए हैं इन बच्चों में हिडन पैशन होता है, ये जो अगर इनके दिल की उससे कर लेंगे ना काम को, उसमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। ठीक है मैम, इसीलिए जो अपने मन से कर रही है उस पर मैंने कोई प्रेशर भी नहीं दिया है और उसमें भी रिजल्ट अच्छा मिला है मेरे को। नहीं इन बच्चों में जो होता है ना, I'm not talking about two, two की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो लेकिन ये जो बच्चे जो मैं डेट ऑफ बर्थ देख रही हूँ इन बच्चों में क्या होता है, हिडन पैशन होता है। उसको हिडन पैशन अगर बाहर निकल के आ जाता है ना तो कहीं ना कहीं उनको लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलती है, और वो चीज अगर बाहर नहीं निकलती ना तो वो धक्के खाते हैं। ठीक है अगर वो बच्चा लॉ करना चाहता है तो उसे लॉ करने दो, ब्लेसिंग्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो बस ये है कि डॉग्स की सेवा करवाना, मतलब आगे जैसे अभी अभी घर का देखो घर का और बाहर का थोड़ा सा फर्क होता है, कहीं ना कहीं जैसे हम अपने बाहर खिलाते हैं खाना ठीक है, अगर हम वही चीज अपने बच्चों को खिला रहे तो वो अलग चीज है ठीक है, उन्हें वो चीजें मिल रही है। अभी घर में कोई डॉगी रखा हुआ है तो वो हमारा घर का फैमिली का मेंबर हो गया, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाहर जिसको नहीं मिलता उनको अगर हम कुछ खिला रहे तो कहीं ना कहीं उनके दिल से जो दुआएं निकलती है, ये मेरा थॉट है। बिल्कुल मैम, इंस्टेंट टॉक को भी देते हैं मैम, डेली का नहीं है, मैं दरवाजे पे रहते हैं सब तो देते हैं, कभी मैंने दिया कभी बच्ची ने दिया। मैम करियर के लिए हम मेरे लिए क्या सुटेबल होगा? हाँ जी मेरे लिए करियर के लिए क्या सुटेबल हो, कौन सा काम? आप अभी जैसे टीचिंग प्रोफेशन में है ना? नहीं मैम स्कूल ड्रेस का काम कर रहे हैं, स्कूल ड्रेस का शॉप। हाँ जी स्कूल ड्रेस का कर रहे हैं। स्कूल ये मेल्स है फीमेल्स या दोनों बच्चे हैं, मतलब कोएड स्कूल है? हाँ जी मैम। ठीक है कोई नहीं, कहीं ना कहीं फिर आपके बिजनेस के नेम वगैरह की वाइब्रेशन उसमें मुझे संगीता जी चेक करना पड़ेगा, बाकी काम आपका ठीक है, कोएड स्कूल है बढ़िया है, ये काम आपके लिए है भी सही, बट थोड़ा सा फिर उसमें कहीं ना कहीं वाइब्रेशन वगैरह चेक करनी पड़ती है, तो आप जो मैंने आपको रेमेडी बताई है आपको करना स्टार्ट कर। ठीक है मैम वो जो ब्रेसलेट आपके पास मिलेगा वो सेवन चक्रा ब्रेसलेट है, आप चाहो तो किसी भी रेकी मास्टर या अमेज़न वगैरह से ले सकते हो, आप चाहो तो मुझे कॉल करके भी ले सकते हो।
ठीक है मैम, बिल्कुल बिल्कुल आपसे ले लेते हैं मैम. ओके मैम, थैंक यू मैम. सोनिया जी, सोनिया जी जी. मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5th of December 1981. 5th December 1981. आप तो सोनिया जी एक मतलब खाली नहीं बैठ सकते एक जगह. यस दैट्स ट्रू. दूसरा आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा मतलब है, आपका फ्रेंड सर्कल भी काफी है और आपको गर्मी भी बहुत लगती है, ठंड भी बहुत लगती है. इज इट ट्रू? या आई हैव टू कीप द टेंपरेचर मॉडरेट एंड सॉरी. आपके जो फादर हैं वो अपने घर में सेकंड मतलब सेकंड नंबर पे हैं, उनसे बड़े हैं. हाँ. And he is a self personality. मतलब अपने अपने दम पर खड़े हुए हैं. Yes, that's right. हाँ जी. Yes, that's right. सही बोल रहे हैं आप. And आपकी फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स 5? We were 3, but now I'm by myself. Okay. अच्छा एक चीज और, आपकी शादी हो गई है? हाँ, पर टूट गई है. Sorry. I'm divorced, yeah. Okay. चलिए. बताइए. Yeah. So my question was related to my career and my marriage. See, अभी जो देखा था वो कहीं ना कहीं जो husband थे, ठीक है, वो dominating nature के जो मुझे लगा, but which I feel through your date of birth, right? So वो चीज है और उसी वजह से कहीं ना कहीं and आपका जो है आप like friendly nature और थोड़े से सेंसिटिव, बट वही वो चीजों को समझना नहीं चाहते थे, कुछ ऐसा रहा है. बट आपका आगे सेकंड मैरिज का योग है, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर. ओके. इज देयर लाइक अ मंथ और समथिंग और एनी टाइम इन द ईयर? उसके लिए फिर मुझे थोड़ा सा आपके उस पे एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, पर्टिकुलर मंथ और वो सारा निकालने के लिए. और मैंने MBA किया है HR और मार्केटिंग में और मैं अभी फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम कर रही हूँ. तो आई एम लुकिंग एट चेंजिंग माई जॉब एज वेल. सो बाय व्हेन विल दैट हैपन? अभी आप चेंज ना करें तो बेटर है. ओके. ना करे तो बेटर है, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिख रहा है कि आगे अगर अभी आपको लगेगा कि अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, बट समहाउ कहीं ना कहीं वो वर्क लोड आपके पर लेकर आएगी. मतलब भले ही आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिले, बट उधर क्या होगा, वर्क लोड ज्यादा नजर आएगा एज कम्पेयर टू दिस कंपनी, वट एवर यू मतलब जो भी है. तो बाकी जो भी करे सोच समझ के कीजिएगा, बट जो मुझे लग रहा है, बाकी तो देखो पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैं प्रॉपरली डिसाइड कर पाऊंगी. बाकी ये चीजें हैं. और आप रात को सोते टाइम हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए 3 times और मॉर्निंग में राम स्तुति, मतलब जैसे ऑफिस भी जाते हैं ना तो कान में ईयरफोन लगाइए और सुनते सुनते चले जाइए, ऐसा भी कर सकते, ठीक है. गाय को आलू खिलाइए. गाय को आलू? नहीं, ये थोड़ा अलग सा, कभी मुझे किसी ने
गाय को रोटी खिलाने को बोला है। आलू जो है ना, आलू जो है वो अर्थ फैक्टर है और वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपके पास स्टेबिलिटी का नंबर है बट समहाउ कहीं ना कहीं वो जो चीजें मिस हो रही है, जैसे मैरिटल प्रॉब्लम और वो चीजें आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आप थोड़े से इस टाइम पे ना थोड़े से अपसेट भी बहुत ज्यादा हो और कई नेगेटिव थॉट्स भी बहुत आए हुए हैं आपके। सो इन चीजों को अभी आप वो करेंगे ना, गाय को आलू खिलाएंगे तो वो चीजें आपके साथ पॉजिटिव थॉट्स लेके आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कन्या का कब तक कुछ चेंज होगा या कब तक अच्छा होगा? कन्या जी उसके लिए देखो मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिएगा प्रॉपर एनालिसिस। अभी मैं अगर आपको एक नंबर बोल के, दैट इज फॉर प्योरली मेडिटेशन, कांटेक्ट नंबर आप दे सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। हाँ बिल्कुल, आप सब मेरा नंबर लिख लीजिए, आप सब मेरा नंबर यू कैन राइट डाउन 99531। हाँ जी 99531 76911 आप वहां पर अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग क्या करते हैं अभी वेबिनार के बाद ना व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करते हैं। अभी मेरे पास कई बार होता है, कोशिश करती हूँ आंसर देने की पर टाइम नहीं हो पाता ना, वो मैसेजेस दबते चले जाते हैं और आप लोगों को लगता है कि मैडम का एटीट्यूड आया हुआ है, या कई बार मैं कुछ अर्जेंट दूसरा काम कर रही होती हूँ फिर मुझे मैसेज आता है मैम वेबिनार में तो आप आंसर दे रहे थे। तो थोड़ा सा वहां पर क्या होता है, मैं अपना जब फ्री होती हूँ, फ्री माइंड से होती हूँ वहां पर तब आंसरिंग करती हूँ। तो अगर किसी का क्वेश्चन रह भी जाता है आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। Right, but be specific like your date of birth, birth number, destiny number, या मोबाइल नंबर का कुछ है तो मोबाइल नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। राइट, अभी आप सबके क्वेश्चन अभी मैं लेती हूँ, उससे पहले मुझे अनाउंसमेंट करनी है। मेरा जो है अभी कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं, जैसे आज हमने प्रेडिक्शन किया लाइक आपके स्पाउस के बारे में, आपके सिबलिंग्स के बारे में, आपके घर के फैमिली मेंबर्स के बारे में, ये भी आप डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं। एंड इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे, नेचर एंड रिलेशनशिप, लाइक आपके आप घर में सबसे बड़ी डॉटर है या डॉटर इन लॉ है या सन इन लॉ है इस टाइप का, या आपके विशेष चिन्ह, जैसे मैंने आज बोला कि आपके हस्बैंड का ऐसा है, डीप सेट आइज है, इस तरीके की प्रेडिक्शंस, साथ में आपके घर की शेप, आपके घर की डायरेक्शन, आपके स्पाउस की डायरेक्ट क्वालिटीज, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, आपके स्पाउस के बारे में, आपके डायरेक्शन ऑफ स्पाउस, लाइक अभी किसी कोई क्लाइंट आता है आपसे कहते हैं कि मेरे अभी शादी के रिश्ते आ रहे हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी जो शादी होगी इस डायरेक्शन से आपके लिए रिश्ता आएगा, वहां आपका शादी हो जाएगा। यू कैन प्रिडिक्ट दिस आल्सो। डिटेल स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्क हियर, इसमें आप लाइफस्टाइल बता सकते हैं, एक्युमुलेटेड वेल्थ बता सकते हैं, प्रोफेशन बता सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी पर्सन की, और कुछ इवेंट कैलकुलेशन लाइक कभी जैसे किसी ने मुझे कहा मैम मेरा पर्सनल ईयर चल रहा है, पर्सनल ईयर इज अ डिफरेंट थिंग, पर्सनल ईयर यस बेसिक है बट उसके साथ साथ कुछ इवेंट कैलकुलेशन भी किए जाते हैं। टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का टर्निंग पॉइंट कब होता है, लेट मैरिज का योग, कि किसी का लेट मैरिज का योग कब बन रहा है, एंड ब्रोकन एंगेजमेंट, किसी की अगर एंगेजमेंट टूटती है तो वो भी हमें पता चल जाता है। जैसे मेरे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है कई बार ही, तो सिर्फ मैं एक पॉइंट मतलब अगर मुझे दिखता है योग तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपकी कोई एंगेजमेंट टूटी है, अदर पर्सन सेज यस, तो आप सोचो कि सामने वाला कितना आपके उस चीज से कितना इंप्रेस होगा। डिसअपॉइंटमेंट इन लव, वीक पीरियड स्ट्रॉन्ग पीरियड, अभी वही चीज है कि अगर पर्सनल ईयर 9 भी चल रहा है तो कुछ उसमें पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें आपका वो स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ टाइम है, और कुछ आपका पर्सनल ईयर 1 भी चल रहा है तो उसमें भी कुछ वीक पीरियड, अब वो क्या कह के जाते हैं वो हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, कोरिलेटिंग मंथ देखते हैं, फेवरेबल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पुअर नंबर, पुअर नंबर आई थिंक 75% या 80% लोगों को पता होता है, बट उसमें भी आपको एक फेवरेबल डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि जो आपको और सपोर्ट करता है। पुअर नंबर तो ब्लेसिंग वाला है ही, बट उसके साथ साथ अगर उसी फेवरेबल डायरेक्शन में आप बैठते हैं, काम करते हैं, तो वो अलग से आपको ब्लेसिंग देके जाता है। इसके बाद हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, जैसे अभी आपने किसी ने मुझसे पूछा कि ये मेरा कब तक हो सकता है, वो भी हम निकाल के दे सकते हैं, आपका सपोर्टिंग प्लैनेट, नॉन सपोर्टिंग प्लैनेट, सन की प्रेडिक्शन, डॉटर की प्रेडिक्शन,
आपका सीक्रेट ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ, दिस इज अगेन वो नहीं है मैरिज कंपैटिबिलिटी जो विक्रम आजी के कोर्स में किया, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. एंड यंत्रा रेमेडी एंड मंत्र रेमेडी दिस कोर्स. ओके, सो ये है हमारा अल्ट्रा एडवांस कोर्स जिसकी फीस है 666. बट अगर आप आज रात 12 बजे तक अगर इसका वो भी कर देते हैं लाइक डाउन पेमेंट में, मतलब 500 अगर रिजर्व सीट के लिए दे देते तो 5100 मैं इसको वो कर दूंगी. बट कल ये 66 भी रहेगा. ठीक है जी. और दूसरा जो मेरा हमेशा जो कोर्स चलता रहता है, रनिंग बैक जो चलता रहता है, दैट इज बेसिक टू एडवांस कोर्स जिसमें आप लोग प्रिडिक्शन करना सीखते हैं. देखिए ये है अल्ट्रा एडवांस, ये बेसिकली क्लाइंट के कन्वर्जन के लिए है जिसमें आप जो मैं एक बार दिखा देती हूँ. सी दिस इज माय बेसिक टू एडवांस कोर्स, ये भी कल से स्टार्ट हो रहा है जिसकी फीस है 7350. अगेन इस टाइम इस बार मैं जो अपने स्टूडेंट्स को बोनस आप लोगों को दे रही हूँ वो आपके डीओवी के अकॉर्डिंग आपको एक ब्रेसलेट, साथ में आपको दो पीडीएफ रिपोर्ट मिलेगी. कंप्यूटराइज रिपोर्ट है, दैट इज 41 पेजेस की, 40 टू 50 पेजेस की रिपोर्ट है एंड जिसकी बर्थ थी 1101 रिपोर्ट की, जिसमें आप न्यूमरोलॉजी के बारे में, बर्थ नंबर, कंडक्टर नंबर और डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स के बारे में सीखेंगे. आइकिक पर्सनालिटी के बारे में जैसे हमने स्टार्ट किया था, दैट इज बहुत छोटे में किया था बट डिटेलिंग में, कि आप किसी नंबर को देख के उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब सामने वाला बंदा क्या है, कि लाइक उसे खाना बनाना आता होगा, उसे सफाई करनी पसंद होगी और उसे सफाई पसंद होगी, इस तरीके के प्रेडिक्शंस भी हम कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी. इसके बाद नंबर्स की कंपैटिबिलिटी, 81 कॉम्बिनेशन, रिपीटेड नंबर का क्या इम्पैक्ट होता है, आपका कार्मिक नंबर है या मास्टर नंबर है या मिसिंग नंबर भी है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, वेल्थ, फिनेंस. उसके अलावा आपका नेम न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे. नेम न्यूमरोलॉजी में शेल्डियन और पाइथागोरस नंबर वैल्यू, अभी कई लोग कहते हैं कि हमारा 6 पे नाम आ गया, अभी कई कहते हैं हमारा 5 पे आ गया, बट कितने के 5 पे. ठीक है, अगर 1 की बात करें 28 से 1, अभी किसी का कल मेरे पास कॉल आया था ही, उसने मोबाइल नंबर या कुछ ऐसा था 28 का 1 लिया था, मैंने कहा ये तो बिल्कुल अवॉइड है. ठीक है, तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 1, 3, 5, 6 होते हुए भी हमें अवॉइड करने होते हैं. आपका लकी कार कैसी होनी चाहिए, बाइक या व्हीकल नंबर, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, सिग्नेचर आपकी कैसी होनी चाहिए, बेबी डिलीवरी डिजाइन डेट, आपका बैंक अकाउंट नंबर कैसा होना चाहिए, आपका लकी कलर, आपका प्रोफेशन, फॉरेन सेटलमेंट, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ एंड लक फैक्टर आपका जो भी होगा, पंच लाइन्स, कुछ पंच लाइन्स होती है. उसके बाद नेम चेंज कर लिया, लेकिन नेम चेंज को एनर्जाइज कैसे करना है, नेम चेंज को आपने कर लिया लेकिन अभी क्वेश्चन ये आता है क्या मुझे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, नहीं करना, कुछ चीजें अलग होती हैं जो आपको ऐसा नहीं करना, उसके अलावा आप उसको एनर्जाइज कर सके. मैरिज कंपैटिबिलिटी होगी, बिजनेस नेम करेक्शन होगा एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें आपको दो तरीके की रेमेडीज सिखाई जाएंगी, इंडियन वैदिक रेमेडीज एंड फेंगशुई रेमेडीज. राइट, तो दो तरीके की रेमेडीज भी हैं कि अगर कोई सी भी क्लाइंट अगर हमारे पास आता है तो हम दोनों तरीके से उसे बता सकते हैं. एंड ये भी हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है जिसकी फीस 7350 है एंड वो भी मेरा अल्ट्रा एडवांस भी कल से स्टार्ट हो रहा है जिसकी फीस 666 है. बट अगर कोई अल्ट्रा एडवांस का फीस अगर इवन आज करता है पे 12 बजे तक तो वो 5100 है. अगर फीस का प्रॉब्लम है तो 500 डी के भी अभी जैसे आज बाकी कल पेमेंट कर सकता है, वो भी किया जा सकता है. ठीक है जी. और अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कुछ भी कंसल्ट करना हो तो प्लीज राइट डाउन माई नंबर 9953176911. ठीक है जी, 9953176911. सो चलिए लेते हैं क्वेश्चन. मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 26 नहीं 25
मतलब 96 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
हां जी सेल्स 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 एंड मार्केटिंग हां सेल्स एंड मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग आपके लिए नहीं है ओके आप कुछ बिजनेस वगैरह प्लान कर रहे हैं अभी कहां मतलब बर्थ प्लेस कहां है आपका मेरा कलकत्ता में है आप कलकत्ता में ही हैं हाँ हाँ कभी विचार किया अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर जाने का या कहीं दूसरा बॉर्डर क्रॉस करने का नहीं 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 एक बार ट्राई कीजिए क्लाइंटेज लीजिए क्लाइंट या कुछ इस तरीके का जॉब कुछ इस तरीके का वहां ढूंढिए जो आपको मतलब भले दूसरी सिटी में हो ठीक है वहां आपको बहुत अच्छे योग बनेंगे ठीक है अपनी सिटी से हटकर दूसरी सिटी में जाने में ठीक है वहां आपको अच्छे योग मिलेंगे आप एक बार ट्राई कीजिए वहां पर जैसे जॉब्स वगैरह होता है ना आई नो कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि दूसरी बट आपको ब्लेसिंग्स बहुत है वहां जाने पे ठीक है ओके ओके और मैम एक्चुअली मैम हां बोलो मैम एक्चुअली मैं गारमेंट्स का भी बिजनेस करता हूं तो किस चीज का बिजनेस गारमेंट्स बस बढ़िया है सर फिर क्या परेशानी है सूट कर रहा है क्या परेशानी है वो कंटिन्यू करो ना ओके 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 ठीक है वो कंटिन्यू करो लेकिन अभी क्लाइंटेज अभी आप बाहर की क्लाइंटेज पकड़ो कोशिश करो क्लाइंटेज बाहर की रखो आपको वहां से ज्यादा फायदा मिलेगा अभी जो आपकी सिटी के या आपको ना जो पैसा देके जाएगा ना वो आपको दूसरी कंट्री का पर्सन पैसा देके जाएगा और वो अट्रैक्ट भी जल्दी होगा आपके लिए ओके ओके बस आपको थोड़े एफर्ट्स करने हैं और एक बार शुरू हो गया ना तो फिर वो रुकेंगे नहीं ठीक है और साथ में आप फ्राइडे को फ्राइडे एवरी फ्राइडे खीर बनाइए खीर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए गरीब लोगों में और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए ठीक है चलिए जी थैंक यू मैम वेलकम जी रविंदर राय जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी सर उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1992 जी सेल कितना है आपका बेटा जी गुस्सा कितना आता है अब गुस्से वाला तो है इतने सारे 9 लेके बैठा हुआ है चलिए बट जो डेट है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है उनका एंड सारी अपॉर्चुनिटीज अगर मैं कहूँ और सुख सुविधाएं करियर वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए करियर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रही है करियर में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही एमटेक खत्म किया है अभी जॉब के लिए देख रहा है इज अब्रॉड अभी जॉब मिली नहीं है और काफी दिनों से वेट कर रहा है तो उसकी जॉब का क्या है फिर उसके बाद शादी का भी देखना है उसका सर अभी ये समझ लीजिए उसका ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया आज डेट क्या है आज 14 हो गया 17 सितंबर के बाद 17 सितंबर के बाद उसके योग बनने शुरू हो जाएंगे एंड हो जाएगा और ये बच्चा कुछ ना कुछ मतलब अच्छा ही करेगा अच्छा मतलब बहुत अच्छा है अच्छा नहीं बहुत अच्छा आगे तक जाएगा जॉब में कंटिन्यू करेगा जॉब में कंटिन्यू करेगा या बिजनेस करेगा या देखो ये बच्चा जॉब भी कर सकता है ये बच्चा लेकिन बिजनेस में इसका माइंड ज्यादा रहेगा जी इसकी शादी बताएंगे हाँ जी शादी का कुछ बताएंगे उस जॉब शादी में थोड़ा सा कुछ नजर आ रहा है और आप मुझे पर्सनल कंसल्टेशन कीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है वो मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद इस बच्चे की एक एंगेजमेंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगेगी फर्स्ट तो बाकी उसके बाद सब कुछ ठीक है ओके मैं आपको ऐसा कुछ हुआ है कोई रिश्ता आया और आपने डिनाई किया नहीं अभी तक तो नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जॉब नहीं तो अभी तक सोचा नहीं इस बारे में
चलिए कोई नहीं, बाकी वैसे सब कुछ बहुत अच्छा, बच्चा ना करियर वाइज बहुत अच्छा है, शादी भी अभी बहुत अच्छा, मैरिटल लाइफ ऐसा नहीं है कि मैरिटल लाइफ खराब है, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पर थोड़ा सा ये है कि एक रिश्ता होकर थोड़ा सा होगा ना, हाँ होते होते ना हो जाएगा, बस इतना होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि शादी वादी टूटेगी, ऐसा नहीं है, बाकी बाकी सब कुछ प्लीज उसको मेरे वर्ड्स को गलत वे में मत लीजिएगा, अगेंस्ट भी कि वो चीज आएगा रिश्ता आप लोगों की वजह से, हाँ होगी वो कहीं ना कहीं वो मना होके खत्म हो जाएगी, बस इतना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपका सब कुछ हो जाएगा और फिर शादी टूटेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत ब्लेस्ड सोल है, आसमान की बुलंदियों को छुएगा, बस थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना, ये बच्चा गलत संगत में ना जाए, नहीं वो ऐसा नहीं है, नहीं अभी तक नहीं है, लेकिन आगे क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे जब ये जॉब वगैरह में जाएगा तो इसको फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा मिलने के योग बन रहे हैं, बाकी अगर वहीं से ये बच गया तो लाइफ में बहुत इसके कदम जैसे कहते ना चुनने वाली वो योग है। ओके थैंक यू जी। सर्वज्ञ मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। 2/2/1987 बर्थ नंबर 2 डेस्टिनी नंबर 2 जी। आई थिंक आपकी मेरे लास्ट टाइम पे बात हुई थी। नहीं बात नहीं हुई मैडम, फर्स्ट टाइम हो रही है जी। जी आपके दो नाम है जी। जी ओके। आपके पास पैसा, जब तक पैसा है तब तक पैसा आता नहीं, क्या हुआ? आपके पॉकेट में, आपके पर्स में, आपके वॉलेट में जब तक पैसा होता है तब तक आपके पास पैसा नहीं आता, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है ना उसके बाद आता है, लेकिन जहाँ तक है उसके मतलब जब तक है होता है ना तब तक वो बाहर से आता हुआ भी नहीं दिखता, ऐसा कुछ है जी। और थोड़े से कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स भी ज्यादा होते हैं। अच्छा एक चीज और, आपके ऐसा कुछ था कि 2-3 साल के जब थे आप कुछ बीमार वगैरह थे, छोटी एज में मतलब कुछ ऐसा बीमार कुछ याद है वैसे? बीमार तो क्या वही कान का था मैडम। नहीं मतलब क्या कह रहे हैं? कान का ऑपरेशन हुआ था जब हम चार प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, लेकिन सर मुझे ऐसा नहीं पता, बट मुझे ये लगा कि कुछ ऐसा आया था जी। जी कान का हुआ था ऑपरेशन। अब सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी, अभी मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कहा कि जब ये 2-3 साल के थे, ठीक है दो नाम होंगे, अभी मैंने इतने सारे नाम लाए किससे ये भी पूछा कि आपके दो नाम थे या नहीं थे, तो ये जो है ये न्यूमरोलॉजी से भी बताया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी बता सकते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है, बाकी देखो नेम की वाइब्रेशन तो कहीं ना कहीं है ही। दूसरी चीज ये है कि क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं सर्वज्ञ जी, बताइए। जॉब के लिए बता दीजिए पहला। जॉब के लिए आपका अभी जो आपका बनेगा नेक्स्ट बनेगा आपका फरवरी से स्टार्ट होगा 2022 से, अभी थोड़ा सा है, थोड़ा सा आपको अभी इतना अच्छा ऑफर नहीं मिलने वाला, ठीक है जी। बट अगर मैं बात करूं, आप 1 से लेकर 9 तक नंबर बोलिए कोई। 5। अभी कहीं इंटरव्यू वगैरह या कहीं ट्राई किया? अभी नहीं, बात चल रही है। बात चल रही है, हो जाएगा। तो किस लाइन में जाएं हम जॉब के लिए? कहां आपने ट्राई किया? अभी मैडम हम फाइनेंस में थे, इसके पहले महिंद्रा होम फाइनेंस में। फाइनेंस में थे ना जी। तो जी करो ना, अच्छा है वहीं पे कंटिन्यू करो, काउंसलिंग ऑरेटरी ये सब आपको बस सूट करेगी जी, ठीक है। आप बस ये काम करो, साथ में एक ग्रीन बॉटल में या चांदी के ग्लास में या चांदी का एक चौकोर टुकड़ा ले लो, चांदी का कोई भी एक चौकोर टुकड़ा ले लो, वो अपने वॉलेट में रख, ठीक। चांदी का कोई छोटा सा पीस जी, जी स्क्वायर शेप का, ठीक है, वो अपने वॉलेट में रखो, ठीक है। साथ में 5 इलायची रखो, अच्छा पर्स में, अपने पर्स में वॉलेट में, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा जब तक वो होता है ना, चाहे भले ही 100 रुपए हो, वो 100 रुपए जब तक खर्च नहीं होते ना, वो आते नहीं है दूसरे 100 रुपए, ठीक है। तो
तो आप 5 इलायची अपने पॉकेट में रखो, वॉलेट में रखो और एवरी मंडे उसे चेंज कर दिया करो, इलायची को। हाँ इलायची को, मतलब कंटिन्यूस एक उसमें रखो 5 इलायची को अपने वॉलेट में और फिर मंडे टू मंडे उसे चेंज कर दिया, ठीक है? ठीक चलिए। और मैडम एक चीज और पूछना, वाइफ के बारे में बता दीजिए। वाइफ के बारे में, जॉब मिलेगा उनको क्या है कैसे? डेट ऑफ बर्थ बोलो। 30/4/1986। 30/4/1986 बर्थ नंबर 3, डेस्टिनी नंबर उनका है 5। जी बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर क्या होता था बताएं मैडम एक बार देख लें। 4 4 होगा जी, देख लेते हैं ना, 6 और 1 नहीं मैडम 4 आएगा, 4 ही आएगा ना, ठीक है जी। सो क्या पूछना चाह रहे हो इनके जॉब के लिए मैडम? किसमें ट्राई कर रहे हैं अभी? तो टीचर में, टीचिंग जॉब में ट्राई कर रहे हैं जी। अभी कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ दिया उन्होंने? अभी पेपर दे गया है टीजीटी का, पीजीटी का। अच्छा एग्जाम दिया है उन्होंने जी। अभी कोई उनसे बोलो कोई नाम, अभी आपके पास ही आपके भाई? नहीं नहीं हम तो बाहर हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो उनसे बोलो पानी में हल्दी डाल के नहाया करें जी। ठीक है पानी में हल्दी डाल के नहाया करें बस फ्राइडे को छोड़कर। ठीक फ्राइडे को नहीं करना ये काम, बाकी डेली पानी में हल्दी डालें और फिर ठीक है। ठीक कब तक मिलेगा कुछ ऐसा है कुछ? उसके लिए फिर मुझे प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी। आप आपका मंथ अगर अभी तो देखो अगर मैं आपको बताऊं नवंबर 21st जी तब योग बनेंगे, नवंबर 21st और दिसंबर के बीच में उन्हें मिल जाएगी। ठीक मैम, ठीक है नवंबर 21st और दिसंबर 20 के बीच में उन्हें, मतलब विद इन दिस मंथ उनका वो बन रहा है। ठीक है ठीक है मैडम, तो आपको फोन करेंगे। ठीक है चलिए जी, थैंक यू मैडम। नेक्स्ट ले लेते हैं जयदीप देसाई जी। जयदीप सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हेलो जी सर, जी सर। हाँ जी जी। हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1956। नंबर आता है 9 and 5। ओके बताएं सर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्वेश्चंस तो हेल्थ के बारे में, एक दो साल से हेल्थ ठीक नहीं रही सर। अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह में कुछ आप कर रहे हैं क्या, प्लानिंग वगैरह? हाँ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं सर। किसी के कहने पे कर रहे हैं या अपने आप? थोड़ा सा मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि इस टाइम ना सोच, जो भी कर रहे हैं आप सोच समझ के कीजिएगा, किसी के कहे में मत चलिएगा। ठीक है क्योंकि थोड़ा सा ये है कि मतलब लालच की वजह से कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है तो जो भी डिसीजन ले वो बहुत अच्छे से सोच समझ कर ले और बाकी सब ठीक है। ठीक है आप रात को हनुमान चालीसा का पाठ करें 3 बार और सवेरे राम स्तुति करें, वहीं से आपको कुछ ना कुछ पहले से ही इंट्यूशन आनी शुरू हो जाएगी कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। ओके एंड व्हाट अबाउट माय हेल्थ? सर हेल्थ तो अभी आप अपना आई थिंक जाओ, मुझे लग रहा है वॉक वगैरह तो आप शायद कर ही रहे हैं, आप अपने पर्सनल उस पे तो ध्यान दे रहे हैं इस टाइम। हाँ
बाकी हेल्थ वाइज वैसे ठीक है। कोल्ड कफ तो थोड़ा बहुत मतलब जैसे जैसे जब जब वेदर चेंज होता है तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होती है जब वेदर चेंज होता है। ओके ठीक है, तो वो थोड़ा डेट ऑफ बर्थ का एट्रीब्यूट है, वो हमेशा दिन रहेगा थोड़ा साथ में, कोई बात नहीं। बट आप एक काम कीजिएगा, बस ये वॉक वाला कंटिन्यू रखिए। वॉक मॉर्निंग वॉक पे या इवनिंग वॉक जो भी करते हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा। ओके ठीक है, उसको कंटिन्यू रखिएगा। और डिसीजन खुद से लीजिएगा, जो भी डिसीजन लेंगे अगर आप खुद लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके ठीक है, और वाइफ के बारे में बताएंगे? चलिए पूछिए सर। हाँ, वाइफ का बैकग्राउंड कुछ व्हाट यू कैन इन्फॉर्म, क्या बता सकते हैं? अच्छा, आपकी वाइफ के बारे में बताऊं? ओके, मतलब आप टेस्ट लेना चाह रहे हैं सर? जाने तो सही। चलो चलिए ट्राई करती हूँ। ओके, आप जो हैं, आपके ओपिनियन आपके मदर से थोड़े बहुत, मतलब अभी तो आपकी एज हो गई है, आपकी स्पाउस यानी कि आपकी वाइफ की जो है गहरी झील सी आंखें हैं, ठीक है? हाँ जी। और नहीं, ऐसा नहीं है? है। अच्छा है, मैं तो डर गई। कैट है। ओके, आपने बचपन में काफी हाउसेस चेंज किए हैं? बचपन में हाउसेस चेंज किए हैं थोड़े। किए हैं, ओके। दो सिब्लिंग्स नजर आ रहे हैं सर आपके? नहीं, मैं अकेला हूँ। अकेले हैं, चलिए। ओके, आपके फैमिली मतलब जो मतलब आपके जो पेरेंटल थे वो इतने मतलब सेटल डाउन नहीं थे, आपके जो फादर या मतलब जो भी आपकी फैमिली थी जब आप मतलब छोटे थे तो इतने सेटल डाउन नहीं थे, बट जब जब उन्हें पैसों की जरूरत होती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब पैसे बहुत ज्यादा कमी, लेकिन इसे कहते हैं ना एक रिच फैमिली, वो चीज शायद जो मैं देख पा रही हूँ ऐसा नहीं, बट उन्हें ऐसा भी नहीं था कि अगर जरूरत होती थी तो कहीं मतलब नहीं मिल पा रही थी, होती थी मतलब whenever they need the money उन्हें मिल जाता था, बट बहुत रिच भी नहीं कहा जा सकता। करेक्ट, राइट, यू आर राइट सर। अभी अभी तो टेस्ट खत्म करो। नहीं नहीं, यू आर पास द टेस्ट, वेरी गुड। ठीक है सर, तो पहले बताओ पप्पू पास हुआ या नहीं हुआ? नहीं, पास हो गया। बहुत छोटी हूं। नहीं नहीं, पास हो गए, आपने रियली परफेक्ट किया। थैंक यू। चलिए अभी करते हैं, गुलशन जी। जी बताइए गुलशन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो जी, राधे राधे गुलशन जी। राधे राधे दीदी जी, जी मेरा 1979 July 6. अच्छा, 6 July 1979, right? जी, जी। बर्थ नंबर 6, डेस्टिनी नंबर आपका है कितना? डेस्टिनी नंबर 3. ओके, क्या करते हैं सर आप? जी क्या करते हैं आप? मेरा गिफ्ट शॉप है। गिफ्ट शॉप है जी। ओके, काम तो अच्छा है आपका या अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? आपकी जो स्पाउस भी है, जो आपकी वाइफ है, काफी फैशनेबल है? हाँ, चले गए, आई थिंक चले गए, उनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ। सो हेलो मैम, कुलदीप जी। चलिए कुलदीप जी बोलिए। जी मैम बताएं बताएं। 8/1987। 8/1987 बताएं सर, लास्ट टाइम तो आपकी प्रेडिक्शन किया था मुझे, है ना? जी मैम। अभी एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछोगे, मैं बार बार एक ही चीज को बताऊंगी, मजा नहीं आता ना। चलो कोई बात नहीं, दोबारा बताऊं। बर्थ नंबर 8, डेस्टिनी नंबर कितना आपका? 7। ओके, अभी ऑकल्ट फील्ड में जाने की सोच रहे हैं?
कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं? यस मैम। अच्छा कुलदीप जी, अच्छा 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 आपसे तो मेरी बात भी हुई थी, आप वही कुलदीप जी हैं? जी जी उसके रिगार्डिंग। अच्छा सॉरी मुझे नहीं पता था वही कुलदीप जी हैं। तो मैंने बोला था आपके डेट ऑफ बर्थ देख के। चलिए चलो फिर तो कोर्स में मिलेंगे सर, ठीक है? चलो जी अके जी, अगर बाकी आई थिंक अब हमें सेशन खत्म कर देना चाहिए, मैंने सबके क्वेश्चन ले लिए हैं। अनिल कुमार जी बताइए, अनिल कुमार जी क्या रह गया? बताए सर जी, बताए। नमस्कार मैडम जी। सर नमस्कार मैडम जी, एक जिज्ञासा थी मेरी कि जैसे किसी बच्चे का जन्म रात्रि के 12 बजे के पश्चात होता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ रात्रि 12 बजे पश्चात लेना होगा या पहले लेना होगा? अभी मान लीजिए आपने मेरे साथ YouTube चैनल पे क्वेश्चन ड्रॉप भी किया था, नहीं ना? आप ही ने किया था, मैंने इसका आंसर नहीं, दिया। नहीं किया, नहीं किसी और ने किया होगा। नहीं मैडम मैंने नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मतलब मुझे लगा शायद आप ही ने किया। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कोई बच्चा रात को, आज है जैसे 14 तारीख, ठीक है, 14 तारीख की रात को 12:02 पे भी होता है तो वो 15 तारीख गिना जाएगा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। न्यूमरोलॉजी जी। अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद। 15th में काउंट होगा, बट उसके ट्रेड्स जो है ना फिर वो उसके भी थोड़े थोड़े मैच होंगे, क्योंकि एक प्लेनेट दूसरे उसमें, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में करती हो कि 10 जो होता है तो थोड़ा सा वहां पर भी ये चीजें आती है, ठीक है, वो वहां पर भी रिलेट करेगा। तो आई होप कि मैंने सबके आंसर्स दे दिए हैं, सेशन वाइंड अप करते हैं। अगर अगर फिर भी स्टिल किसी के क्वेश्चन रह गए, हरियाल सर मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया, आपका हैंड रेज। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, अभी बताइए मैडम मेरा क्वेश्चन। आपने वीडियो ऑन कर रखा था ना उषा जी? हां आपका वीडियो ऑन। यस मैम, मेरा क्वेश्चन मेरे बेटे के बारे में है। मेरा बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1995। मैम ये मतलब कैसा करेगा, लाइफ कैसी रहेगी उसकी? लाइफ कैसी, अभी क्या कर रहे हैं आपका बेटा? अभी तो पढ़ रहे हैं मैम। क्या पढ़ रहा है? PhD कर रहे हैं। PhD कर रहा है, ओके बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनका डेस्टिनी नंबर है ये मिस्टीरियस वर्ल्ड में रहता है, और मतलब कुछ जाताएं हैं वो PhD कर रहे हैं और आगे ब्लेसिंग्स है, बट कहीं ना कहीं देखो नेम एक बार करेक्ट होना चाहिए। नेम की वाइब्रेशन सबसे बड़ी कहते हैं ना, सबसे बड़ा नाम का नाम, तो वो नेम की वाइब्रेशन एक बार चेक करनी होगी, बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक है। तो आगे मतलब इनका सब ठीक चलेगा, इनके मैरिड लाइफ एंड ऑल, शादी वगैरह टाइम से होगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका नाम नेम नंबर भी मैम 8 पे ही आता है, फर्स्ट नेम जो है वो थोड़ा सा करेक्ट करो, वो थोड़ा सा करेक्ट करो, क्योंकि नेम नंबर 8 पे कहीं ना कहीं हार्डशिप लेके जाता है, चैलेंजेस लेकर आता है लाइफ में, क्योंकि फुल नेम 3 पे आता है लेकिन फर्स्ट नेम जो है 8 फर्स्ट नेम की भी कहीं ना कहीं अपने अपने वाइब्रेशन होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नाम से वही, अभी सोनिया जैन है तो सोनिया आइडेंटिटी तो सोनिया की है ना, जैन तो मेरे फैमिली की ब्लेसिंग्स मुझे राइट, सोनिया भी है तो राइट, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो भी आपको पॉजिटिव कराना पड़ेगा किसी अच्छे से न्यूमरोलॉजिस्ट से, आप करा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी देखो कई लोग क्या करते हैं अपने आप कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं, अगर देखो एक चीज है जब किसी चीज का पॉजिटिव फर्क पड़ रहा है, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी, किसी चीज की पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है तो हो सकता है उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन भी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ठीक है, हर नंबर का अपना ट्रेड होता है, अभी जैसे मैंने आज ही एक वीडियो डाला है 18 नंबर का, अभी 8 नंबर को बहुत लोग बड़ा खराब बताते हैं लेकिन 18 नंबर खराब है, 18 का क्या एट्रीब्यूट है वो मैंने वीडियो में डाला है कि दिल्ली और बॉम्बे इतना शानो शौकत और ये इतना सब चीजें क्यों है, वॉच कीजिएगा, आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को भी मिलेगा मेरे चैनल पे, कोशिश रहती है कुछ नया कॉन्सेप्ट कुछ नई चीजें लेकर आऊं, तो अगर आप में से जो भी न्यूमरोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी से इंटरेस्टेड है तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। मेरा डेस्टिनी गाइडेंस के नाम से फेसबुक पेज भी है, ग्रुप भी है, आप वहां पर भी अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, और एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं पोस्ट डालती रहूँ, आप लोगों को न्यूमरोलॉजी से नॉलेज देती रहूँ, कुछ नया ब्रेसलेट के थ्रू कभी किसी की चीज के, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैम, तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मैम। एक चीज
और बताइए ये बाहर सेटल होगा या इंडिया में रहेगा? ये इंडिया में रहेगा, अभी बाहर सेटलमेंट के योग इतने नहीं है जी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। बट कोई नहीं, नेम नेम की अगर वो अगर वही चीजें देखो उषा जी, अगर नेम चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकता है जी मैम। ठीक है, तो बस वही है, नेम का वाइब्रेशन पकड़ो पहले और मोबाइल नंबर वगैरह का वाइब्रेशन पकड़ो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, राइट मैम, राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, वेलकम वेलकम। तो आज के लिए आप सबसे विदा लूंगी और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो प्लीज आप मेरे को कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9953176911। राइट, चलिए जी, आज्ञा चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे झेला, मेरे शब्दों को सुना, एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for giving your precious time. Thank you so much. नंबर जी ना चैट में डाल देंगे। हाँ जी राघवेंद्र। Thank you, ma'am. Good night, ma'am. कुछ कह रहे हैं राघवेंद्र जी? हाँ, आप अपना नंबर जरा चैट में डाल दीजिए। Okay. Thank you. मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी राघवेंद्र जी, आप ग्रुप में हैं फेसबुक या? मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे जोड़ना है तो इसलिए। Thank you, ma'am. Got it. बहुत थोड़े लोग थे। ठीक है जी। जी, thank you. हेलो, चलिए जी, ठीक है, अब इजाजत चाहूंगी, राधे राधे, राधे राधे, राधे।